Dawn Express. Aina Sashka. मैं जगदीश तिवारी, द डॉन एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आशा है आप सब सुखी व स्वस्थ होंगे। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। विश्व प्रसिद्ध श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट निर्धारित तिथि पर आज प्रातः 4:30 पर ब्रह्म मुहूर्त में विधि विधान से पूजा अर्चना के साथ खोल दिए गए। शुक्रवार ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि कुंभ राशि धनिष्ठा नक्षत्र इंद्रदाता योग के शुभ मुहूर्त पर कपाट खुले। कपाट उद्घाटन में मुख्य पुजारी रावल, धर्माधिकारी भुवन चंद उनियाल, राजगुरु हक हकुकधारियों सहित केवल 11 लोग ही शामिल हो सके। इस दौरान मास्क के साथ शारीरिक दूरी का पालन किया गया। इससे पूर्व पूरे मंदिर परिसर को सैनिटाइज किया गया। इस बार सेना के बैंड की मधुर ध्वनि, भक्तों का हुजूम, भजन मंडावलियों की स्वर लहरियां बद्रीनाथ धाम में सुनाई नहीं दी। इस यात्रा वर्ष में कोरोना महामारी के कहर का प्रभाव उत्तराखंड के चारों धामों पर भी पड़ा है। बद्रीपुरी में आश्रम दुकानें, छोटे बड़े होटल, रेस्टोरेंट और ढाबे बंद हैं। सबसे पहले बद्रीनाथ मंदिर के सिंह द्वार के द्वार वेद मंत्रों की ध्वनि के साथ खोले गए। द्वार के ताले की चाबी देवस्थानम बोर्ड के द्वारा खोली गई। इसके बाद मंदिर के गर्भ के द्वार खोले गए। मंदिर खुल जाने के बाद उद्घाटन समारोह में मौजूद सभी लोगों ने पूजा कर भगवान बद्री विशाल से जल्द ही संसार को कोरोना वायरस मुक्त करने की कामना की। कपाट खुलने के बाद वेद मंत्रों की ध्वनियों से बद्रीपुरी गुंजायमान हो गई तथा मंदिर फूलों की सजावट के साथ बिजली की रोशनी से जगमगा रहा था। इस यात्रा वर्ष में कोरोना महामारी को देखते हुए चार धाम यात्रा शुरू नहीं हो सकी है, केवल कपाट खोले गए हैं। कपाट खुलने को लेकर देवस्थानम बोर्ड ने तैयारियां पूरी कर ली थी। इसी के तहत आज तड़के 3 से श्री बद्रीनाथ धाम में कपाट खोलने की प्रक्रिया शुरू होने लगी। देवस्थानम बोर्ड के अधिकारी, सेवादार और हक हकुकधारी मंदिर परिसर से निकट पहुंच गए। श्री कुबेर जी बामड़ी गांव से बद्रीनाथ मंदिर परिसर में पहुंचे तो रावल जी एवं डिमरी हक हकुकधारी भगवान के सका उद्धव जी एवं गांडू खंडा तेल कलश लेकर द्वार पूजा हेतु पहुंचे। वैदिक मंत्रों के साथ द्वार पूजन का कार्यक्रम संपन्न हुआ। उसके बाद प्रातः 4:30 पर रावल ईश्वरी प्रसाद नंदूबतरी द्वारा श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट खोल दिए गए। श्री बद्रीनाथ मंदिर के कपाट खोलते ही श्री माता लक्ष्मी जी को मंदिर के गर्भ से रावल जी द्वारा मंदिर परिसर स्थित लक्ष्मी मंदिर में रखा गया। श्री उद्धव जी एवं कुबेर जी बद्रीज पंचायत के साथ विराजमान हो गए। कपाट खुलने के पश्चात मंदिर में शीतकाल में ओढ़े गए घृत कंबल को प्रसाद के रूप में वितरण किया गया। माणा गांव द्वारा तैयार हाथ से बुने गए घृत कंबल को कपाट बंद होने के अवसर पर भगवान बद्री विशाल को उड़ाया जाता है। श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के साथ ही मानव मात्र के रोग शोक की निवृत्ति, आरोग्यता एवं विश्व कल्याण की कामना की गई। भगवान बद्री विशाल की प्रथम पूजा अर्चना प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की तरफ से मानवता के कल्याण और आरोग्यता के लिए की गई। इस दौरान वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मुख्य पुजारी रावल के साथ बहुत सीमित लोग ही मौजूद रहे। ऑनलाइन बुक पूजा हो चुकी, यात्रियों की ओर से उनके नाम संपादित किया जाएगा। श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के साथ ही मंदिर परिसर में स्थित माता लक्ष्मी मंदिर, श्री गणेश मंदिर, हनुमान जी, भगवान बद्री विशाल के द्वारपाल घंटाकरण जी का मंदिर, परिक्रमा स्थित छोटा मंदिर तथा आदिकेश्वर मंदिर, आदि गुरु शंकराचार्य मंदिर के द्वार खुल गए हैं। माणा के निकट स्थित श्री माता मंदिर तथा श्री भविष्य बद्री मंदिर, सुभाई तपोवन के कपाट भी श्री बद्रीनाथ धाम के साथ खोल गए हैं। बद्रीनाथ स्थित खाप चौक में हनुमान मंदिर के द्वार भी आज खुल गए हैं। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने पर देश विदेश के श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने आशा प्रकट की कि शीघ्र कोरोना महामारी समाप्त हो जाएगी, यथाशीघ्र उत्तराखंड चार धाम यात्रा शुरू होगी तथा तीर्थयात्रियों को दर्शन के लिए पहुँचेंगे। प्रदेश के पर्यटन मंत्री श्री सतपाल महाराज ने बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने पर बधाई दी है।
उन्होंने कहा कि भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलते ही अब उत्तराखंड के चारों धामों के कपाट खुल गए हैं। उचित समय पर चार धाम यात्रा शुरू हो जाएगी। इसके लिए वह केंद्र से लगातार संपर्क में है। आगे पर्यटन तीर्थाटन को गति दिए जाने हेतु शासन स्तर पर निरंतर कार्य गतिमान है। उत्तराखंड चार धाम देवस्थानम बोर्ड के CEO गढ़वाल आयुक्त रमन रविनाथ ने बताया कि श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के दौरान देवस्थानम बोर्ड द्वारा उच्च स्तरीय दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया गया। कपाट खुलने के अवसर पर रावल ईश्वरी प्रसाद नंबूदरी सहित देवस्थानम बोर्ड के प्रभारी अधिकारी BD सिंह नायक, तहसीलदार प्रदीप नेगी, धर्माधिकारी भुवन चंद उनियाल, अपर धर्माधिकारी सत्यप्रसाद चमोला, थानाध्यक्ष सत्येंद्र सिंह, अधिसूचना निरीक्षक सूर्य प्रकाश शाह आज मौजूद रहे। निकटवर्ती गांव वामणी में और माणा में भी आवाजाही नहीं है। तप्त कुंड, ब्रह्म कपाल तथा स्नान घाट भी शांत हैं और अलकनंदा नदी का धीमा स्वर सुनाई दे रहा है। उल्लेखनीय है, उत्तराखंड के चार धाम के कपाट खुल चुके हैं, जबकि कोरोना महामारी संकट टलने के बाद शीघ्र चार धाम यात्रा शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है। श्री केदारनाथ धाम के कपाट 29 अप्रैल तथा श्री गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट अक्षय तृतीया पर 26 अप्रैल को खुल चुके हैं। द्वितीय केदार महेश्वर जी के कपाट 11 मई को खुल चुके हैं, जबकि तृतीय केदार तुंगनाथ जी के कपाट 20 मई को तथा चतुर्थ केदार रुद्रनाथ जी के कपाट 18 मई को प्रातः खुलेंगे। वहीं दूसरी ओर पत्रकार संगठन नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट इंडिया और दिल्ली जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने एक गुजराती न्यूज़ पोर्टल के संपादक और पर राजद्रोह का मामला दर्ज किए जाने की निंदा करते हुए उनकी तुरंत रिहाई की मांग की है। बता दें कि गुजराती न्यूज़ पोर्टल फेस ऑफ नेशन के संपादक और मालिक धवल पटेल पर IPC सेक्शन 124A और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट सेक्शन 14 के तहत गिरफ्तार किया गया है। नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के अध्यक्ष राज बिहारी व महासचिव प्रसन्ना मोहंती और दिल्ली जर्नलिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश थपलियाल व महासचिव KP मलिक ने बुधवार को यहां एक जारी बयान में कहा कि वो गुजरात के मुख्यमंत्री के बारे में खबर छापने पर पत्रकार की गिरफ्तारी का विरोध करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को संगठन की तरफ से भेजे गए पत्र में कहा गया है कि हो सकता है कि यह खबर पूरी तरह से तथ्यों पर आधारित न हो, पर कोई तो यह विचार रख सकता है कि मुख्यमंत्री महामारी का प्रकोप रोकने में असफल रहे हैं और मंडाविया बेहतर काम कर सकते थे। राजद्रोह और आपदा प्रबंधन कानून के तहत धवल पटेल की गिरफ्तारी उचित नहीं है। पत्रकार की इस तरह से गिरफ्तारी को लेकर मीडिया बिरादरी में नाराजगी है। गुजरात के पत्रकार भी गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं। नेशनल यूनियंस ऑफ जर्नलिस्ट और दिल्ली जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने धवल पटेल को तुरंत रिहा करने की मांग की है, साथ ही उन पर लगे सभी आरोपों को हटाने की मांग की है। गौरतलब है कि फेस ऑफ नेशन न्यूज़ पोर्टल के एडिटर धवल पटेल ने राज्य में कोरोना वायरस के बढ़ते मामले पर रिपोर्ट करते हुए गुजरात में नेतृत्व परिवर्तन की संभावना जताई थी। गुजरात पुलिस के मुताबिक धवल पटेल ने कथित तौर पर 7 मई को अपने पोर्टल पर एक खबर लिखी थी जिसका शीर्षक था, मनसुख मंडाविया को हाईकमान ने बुलाया, गुजरात में नेतृत्व परिवर्तन की संभावना। वहीं खबर में कहा गया है कि मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के कोरोना वायरस संकट से निपटने के तरीके से आलाकमान खुश नहीं है, लिहाजा रूपाणी के स्थान पर केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया को मुख्यमंत्री बना सकता है। मंडाविया केंद्रीय मंत्री और गुजरात से राज्यसभा सांसद हैं। वहीं दूसरी ओर कोरोना संकट के बीच विश्व बैंक ने भारत को एक बड़ी राहत दी है। सरकार के कार्यक्रमों के लिए बैंक ने $1 बिलियन पैकेज की घोषणा की है। यह सामाजिक सुरक्षा पैकेज है। इससे पहले कोरोना के खिलाफ लड़ाई के लिए ब्रिक्स देशों के न्यू डेवलपमेंट बैंक ने भारत को $1 अरब की आपातकालीन सहायता राशि देने का ऐलान किया था। भारत के लिए विश्व बैंक के निदेशक जुनैद अहमद ने कहा, सामाजिक दूरी के कल्याण अर्थव्यवस्था में मंदी आई है। भारत सरकार ने गरीब कल्याण योजना पर ध्यान केंद्रित किया है ताकि गरीबों और कमजोर लोगों को बचाने में मदद मिल सके। एक स्वास्थ्य पुल बनाया जा रहा है और स्वास्थ्य अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का कार्य किया जा रहा है। विश्व बैंक द्वारा दी जाने वाली राशि का इस्तेमाल देश में कोरोना वायरस रोगियों की बेहतर जांच, COVID-19 अस्पताल के उच्चीकरण और लैब को बनाने में किया जा सकता है। बैंक ने पहले ही 25 विकासशील देशों को
पैकेज देने का प्रस्ताव दिया था। वहीं आपातकालीन सहायता राशि का ऐलान करते हुए एनडीपी ने कहा कि वह इस कर्ज इसलिए दे रहा है ताकि भारत को कोविड-19 के प्रसार को रोकने में मदद मिले और कोरोना वायरस महामारी के कारण होने वाली मानवीय, सामाजिक और आर्थिक नुकसान को कम किया जा सके। सहभार डेली हंट एंड डेली होम। धन्यवाद। द डॉन एक्सप्रेस। द डॉन एक्सप्रेस आई नाउ सचका।